बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ मनोज तिवारी हैं बीजेपी सांसद, आपसे जानना चाहूंगा किस तरह का बजट है कांग्रेस कह रही है उसमें बातें ज्यादा की गई हैं, सरकार के पास पैसा नहीं है। देखिए ये बजट जो 8 साल में मोदी सरकार की तैयारियां रही हैं उसका रिटर्न रिफ्लेक्शन दिखाता है। जिस प्रकार से GST आया है, जिस प्रकार से लोगों को अब उनके रिफंड मिल रहे हैं, ये सब तो स्टडी करने वाली बात है क्योंकि 1.5 घंटे का बजट हम 1.5 घंटे में सुन के नहीं बता सकते। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेस की बात है जो तुरंत समझ में आता है, आज पूरा देश का मध्यम वर्गीय समाज मुझे लगता है उत्सव मना रहा होगा और विपक्ष के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही। दिल्ली में आपके जो अलग अलग सेक्टर के मतदाता हैं, उनके लिए क्या फायदे गिनाएंगे आप, आपके मतदाताओं को क्या फायदा होने वाला है? ये दिल्ली में एक बहुत बड़ा समाज है, अगर दिल्ली आजकल मान लीजिए 3 करोड़ की है तो दिल्ली में 2.5 करोड़ लोग ऐसे है जिनके ऊपर 15 लाख रुपया पे मात्र 10% टैक्स और 7 लाख रुपया पे कोई टैक्स नहीं, 9 लाख रुपया के इनकम पे मात्र 45,000 रुपया टैक्स, ये दिल्ली के उन सभी लोगों को एक ऐसी खुशी देगा जो ये क्लाई नहीं कहलवाएगा कि मोदी है तुम उनकी। जो लोग ये कहते हैं कि सुस्त हो गई है, रोजगार नहीं है, उसमें भी गति आएगी आपको? 100%। जिस प्रकार से अभी तक 3 लाख रुपया पे कोई टैक्स नहीं, 5 लाख रुपया पे थोड़ा सा टैक्स था, अभी 3 से सीधे 7 लाख रुपए पे कोई भी तरह का टैक्स नहीं। मैं समझता हूँ इससे जो विस्तार आएगा सबके कार्य में और जो एक उत्साह बढ़ेगा वो मोदी जी ने दे दिया। बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी का कहना है कि 7 लाख तक की टैक्स कम दी गई है, बड़ा फायदा। हिमांशु के साथ मजीद दिल्ली।